हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अश्विन, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। ये बड़ी ही अच्छी बात है। सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करने का अपना ही मजा है। इस बैच के सहारे आपको कितना फायदा है ये तो आप जानेंगे, मुझे बहुत फायदा है। मुझे यही फायदा है कि मैं बहुत जल्दी सुबह उठ रहा हूँ, फ्रेश हो रहा हूँ और मुझे पढ़ाने में बहुत मजा भी आ रही है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हम 3 सेशंस ले चुके हैं, आज सेशन नंबर 4 होगा। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो बैच शुरू किया है वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन का, इसमें वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ हम डेली फिल इन द ब्लैंक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं आप, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो बैच है, ये बैच एक पेड बैच है और इसकी फी कुछ इस तरीके से है, 100 रुपीज पर मंथ। ये बैच मंडे टू सैटरडे है, मतलब 6 डेज अ वीक, संडे को ऑफ है। और इस बैच की टोटल हर महीने की जो फी है वो 100 रुपीज है। और अगर आप इसे एक साथ बाई करते हैं तो टोटल फी 500 है 6 मंथ्स के लिए, यानी कि अगर आप एक साथ बाई करते हैं तो 1 महीने का जो कोर्स है आपका फ्री है। 100 के हिसाब से 500 में 5 मंथ्स का ही कोर्स होगा, लेकिन 500 में टोटल 6 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। अभी डेमो सेशन चल रहे हैं, 3 सेशन डेमो के हो चुके हैं, ये चौथा सेशन है, 2 और सेशन डेमो के हो जाएंगे। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नहीं, टोटल में 5 डेमो सेशंस हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि जब आप 5 डेमो सेशंस देख लेंगे तो अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा ये बैच आपको हेल्प पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा, कितनी हेल्प पहुंचाएगा, कितनी दूर तक ले जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद ही मिल जाएंगे। एक टीचर होने के नाते मैं तो यही प्रयास करूंगा कि अच्छा पढ़ाऊं, अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, ऐसा पढ़ाऊं कि पेपर में मैक्सिमम कंटेंट आपको पढ़ाया हुआ ही दिखे, कॉन्फिडेंस आपको बढ़े। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में जो पहला सेगमेंट है वो है वर्ड मीनिंग्स का, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में देखते हैं। पहला वर्ड है मिटिगेट। पहली बात, मिटिगेट एक वर्ब है। क्या है सर? वर्ब है। एक जनरल सा रूल है कि जब कोई वर्ड टीई पे रुके, कहाँ रुके सर? टीई पे रुके, तो उस वर्ड को हम एक वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे आप ना मीडिएट बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेट बोल सकते हैं, रूमिनेट बोल सकते हैं, मास्टिकेट बोल सकते हैं, एडजुडिकेट बोल सकते हैं, राइट, क्रिएट बोल सकते हैं। देखिए क्रिएट की स्पेलिंग में टीई आता है, तो ये एक सिम्टम है वर्ब का। मिटिगेट का मीनिंग क्या है? मेक लेस सीवियर और पेनफुल। पहली बात, मिटिगेट एक पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब है जो आपकी समस्या है, तकलीफ है, वो काफी हद तक कम हो जाएगी, है ना। आप जिस बात से दुखी होंगे, परेशान होंगे, चाहे वो आपका मानसिक कष्ट हो, चाहे वो आपका शारीरिक कष्ट हो, मतलब फिजिकल समस्याएं हो या फिर एक मेंटल ट्रामा हो आपको, है ना, उसमें कमी आएगी। और जब तकलीफों में कमी आएगी तो वो सकारात्मक बात ही तो है, इस वजह से मिटिगेट एक पॉजिटिव वर्ड है। ये तो हो गया इस वर्ड का मीनिंग। आप इसे याद कैसे करेंगे सर? मिटिगेट को आप मिट्टी में मिला देना, याद कर लीजिए, मिटिगेट मिट्टी, मिटिगेट मिट्टी। किसी चीज को मिट्टी में मिला देने का मतलब क्या हुआ? खत्म कर देना। किसी को मिट्टी में मिला देने का मतलब क्या हुआ? उसे खत्म कर देना। बस इतना याद रखिए कि मिटिगेट का मतलब समाप्त कर देने से है। किससे है? समाप्त कर देने से है, खत्म कर देने से है, कम कर देने से है। बस इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये एक पॉजिटिव वर्ड है ना। खत्म, मुसीबत को खत्म कर देना, तकलीफ को खत्म कर देना, है ना, कष्टों को समाप्त कर देना, दिस इज कॉल्ड टू मिटिगेट। पढ़िए, इवन दो आई टुक मेडिसिन टू मिटिगेट द पेन ऑफ माइग्रेन। मुझे माइग्रेन हो रहा था और मैंने एक मेडिसिन ली ताकि मेरा ये जो माइग्रेन का पेन था वो मिटिगेट कर जाए, मतलब चला जाए, दूर हो जाए। आई स्टिल फील मिजरेबल, लेकिन मुझे अभी भी जो है ना माइग्रेन हो रहा है। अभी भी मुझे बड़ा गंदा सा, मिजरेबल सा, दयनीय सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, असहज महसूस कर रहा हूँ। तो माइग्रेन होना अच्छी बात नहीं है ना, मेडिसिन लेकर के आप उस माइग्रेन को मिटिगेट करना चाह रहे थे, ये अच्छी बात थी।
हर सिस्टर ट्राई टू मिटिगेट हर एंग्जाइटी ओवर द फ्यूचर। उसकी सिस्टर ने ये कोशिश करी कि उसके मन में जो भविष्य को लेकर के बहुत उथल पुथल मची हुई जो एंग्जाइटी है ना, छटपटाहट है, घबराहट है, उस छटपटाहट को, घबराहट को, उथल पुथल को वो मिटिगेट कर सके, मतलब मिटा सके, कम कर सके एक तरीके से। तो मिटिगेट का मीनिंग समझ में आ गया ना, कम करना, सुधारना जिसको। ये देखिए सर, मिटिगेट के सिनोनिम में इम्प्रूव आ गया। अब इम्प्रूव तो एक पॉजिटिव वर्ड है ना, इसमें तो किसी को कोई शक या संदेह नहीं होगा। एलिविएट कम करना, लेसन कम करना, रिलीफ बना सर, रिलीफ से, रिलीफ का मतलब आराम से है ना, तो रिलीफ मतलब आराम दिलाना। पैलिएट सर वो ड्रग्स आते हैं, कुछ पेन किलर्स जो होते हैं उन्हें पैलिएटेबल ड्रग्स कहा जाता है। ये वो ड्रग्स हैं जो आपको ना तकलीफ से आराम दिलाते हैं। तो पैलिएट करने का मतलब क्या हुआ, तकलीफ से आराम दिलाना। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स होंगे जिनका मतलब हो जाएगा स्थिति को और बिगाड़ देना, जैसे कि वर्सन। वर्सन मतलब और खराब कर देना। वर्सन कैसे बनता, बैड से बनता। बैड का कंपेरेटिव फॉर्म वर्स है और इसी में एन लगा दो तो ये जो वर्सन है ये वर्ब हो जाएगा। एक रूल है ना, कोई वर्ड अगर अपने पहले या अपने बाद में ईएन लगा ले तो वह अपनी पेरेंट फॉर्म को छोड़ करके वर्ब बन जाता है। जैसे स्लेव है, स्लेव। अब स्लेव एक नाउन है, इसके आगे ईएन लगा के जब हम इन स्लेव बनाते हैं तो ये वर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है सर, वर्ब हो जाता है। जैसे एक वर्ड है लार्ज। अब लार्ज एक एडजेक्टिव है, इसको जब हम इन लार्ज बनाते हैं ये बन जाता है क्या, वर्ब बन जाता है, राइट। हाँ, जैसे थ्रेट लिखा हुआ, थ्रेट वर्ब है, खतरा, संकट। अब कल को इसे अगर हम थ्रेटन कर दें तो डराना, धमकाना हो जाएगा। थ्रेट एक नाउन है, माफ करिए, तो ये पेरेंट फॉर्म नाउन थी, अब बदल करके क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। एक नियम है कि कोई भी शब्द अपने पहले या बाद में अगर ईएन लगाएगा तो उसकी जो भी पेरेंट फॉर्म होगी वो छूट जाएगी और वो एक वर्ब बन जाएगा। एग्रीवेट कर देना और बिगाड़ देना, बद से बदतर कर देना। इंटेंसिफाई नहीं होता, इंटेंसिटी को बढ़ा देना है ना, तनी तना तनी को और इंटेंसिफाई कर दिया गया। जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ, 4-5 दिन तक नॉर्मल हुआ, फिर रशिया ने मारे गुस्से के उस वॉर को इंटेंसिफाई कर दिया, मतलब ज्यादा बड़े लेवल पे गोलाबारी शुरू कर दी और बिगाड़ देना। तो मिटिगेट का मतलब तकलीफों को कम कर देना है। आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कैसा लग रहा है आप मुझे मैसेज के माध्यम से बताते रहे। इनडेलिबल, इनडेलिबल। डेल का मतलब होता है मिटाना, डेल से तो डिलीट बनता है, डिलीट कर देने का मतलब मिटा देना। सर जो चीज डेलिबल है, जो चीज डेलिबल है वो मिट सकती है, मिटाई जा सकती, पर जो चीज इनडेलिबल है वो मिटाई नहीं जा सकती, वो अमिट हो जाती है, यानी कि वो परमानेंट हो जाती है। ये देखिए लिखा है, सिनोनिम में परमानेंट लिखा है। लास्टिंग का मतलब जो लंबे समय तक लास्ट करे, बनी रहे। इंटैक्ट का मतलब होता है बड़ी मजबूती से गड़े रहना, जड़े रहना। जैसे खूंटा गाड़ा गया जमीन में, इंटैक्ट अगर है तो हिलेगा नहीं। जैसे अंगद ने रावण में, रावण की भरी सभा में पैर जमा दिया था ना, इंटैक्ट कर दिया था, फिर कोई उस पैर को हिला नहीं पाया, वो इंटैक्ट हो गया था, मतलब जो मजबूत है बहुत ज्यादा। जो चीज इनडेलिबल है वो मिटेगी नहीं, क्योंकि डिलीट का उल्टा है, वो जो अमिट है वो इनडेलिबल है। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, दैट विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, वॉश्ड अवे, इरेज्ड और फॉरगॉटन। जिसे हटाया नहीं जा सकता, धुला नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता या भुलाया नहीं जा सकता। जैसे अमिट छाप नहीं दिमाग पर छूट जाती, अगर किसी की बात दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ गई है तो वो बात भुलाए भी नहीं भूलती ना एक तरीके से। प्रभात वॉज डिसमेड, डिसमेड का मतलब है निराश एक तरीके से, जिसको होपलेस कह सकते हैं। प्रभात वॉज डिसमेड टू सी द रेड वाइन हैड लेफ्ट एन इनडेलिबल स्टेन ऑन हिज फेवरेट कॉटन शोर। स्टेन का मतलब होता है धब्बा, मतलब प्रभात इस बात से बहुत दुखी था कि रेड वाइन, एक प्रकार की वाइन, उसके कुछ 2-4 बूंद गिर गए होंगे उसके फेवरेट कॉटन शर्ट पे, और अब वो बूंद जा नहीं रहे, वो दाग जो बन गए थे, जो स्टेन्स बन गए थे, वो स्टेन अब जा नहीं रहे थे, तो इनडेलिबल स्टेन्स हो गए, राइट, मतलब ना मिटने वाले। एज जेम्स वॉच्ड हिज ब्राइड कमिंग अप टू द चर्च आयल, मतलब जेम्स ने देखा कि उसकी जो पत्नी है, होने वाली जो वाइफ है, जो ब्राइड है ना, चर्च पहुंच रही थी। चर्च का जो आयल होता है, मतलब जो ऊंचा एरिया होता है,
वहां पहुंच रही थी टू ज्वाइन हिम फॉर एवर, उसका साथ देने के लिए. ही न्यू, उस ये बात को जान रहा था दैट एन इनडेलिबल मेमोरी वॉज बींग क्रिएटेड, और एक जान रहा था कि एक ऐसी याद जो है दिमाग पर बनाई जा रही है, एक ऐसी मेमोरी दिमाग पर छापी जा रही है जो हमेशा ताजा रहेगी, जो कभी मिटेगी नहीं. एक प्रकार से इनडेलिबल मेमोरी जो है वो बनाई जा रही थी, वो इस बात को समझ रहा था. अब देखिए, परमानेंट, लास्टिंग और इंटैक्ट सिनोनिम हो गए. टेम्पररी का मतलब जो चीज छड़ी है, इरेजेबल जिसे इरेजर से मिटाया जा सकता है, ट्रांजिटरी जो ट्रांस करता रहेगा, ट्रांस का मतलब बदलना होता है, ट्रांस का मतलब बदलना, चेंज. तो जो चीज सब बदलती रहती है वो परमानेंट कहाँ होगी, वो एक जैसी कहाँ रही, वो छड़ ही तो हुई एक प्रकार से. तो इनडेलेबल का क्या मतलब होता है, एक ऐसी ऐसी याद, ऐसा निशान जो जो परमानेंट हो जाए, मिटे ना, इनडेलेबल हो. आइए एक जरूरी जानकारी आप सभी से साझा करते हैं. मैं अपना दूसरा इंग्लिश का ऑनलाइन पेड बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ. मैंने कुछ महीने पहले, तकरीबन 3 से 3.5 महीने पहले, ये 4 मंथ्स पहले जो है, मैंने पहला इंग्लिश का ऑनलाइन बैच लॉन्च किया था, विनर बैच 1.0. उसकी सफलता, उसका जो सहयोग, उसका जो रिजल्ट है ना, उससे मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ. और चूंकि जो इंस्पिरेशन मुझे मिली है पहले विनर्स बैच से, जिस तरीके से भारी संख्या में लोगों ने बैच को बाय किया था और अप्रिशिएट किया कंटेंट को, तो मैंने ये सोचा है कि मैं क्यों ना और एक दूसरा बैच भी लेके आऊं. तो विनर्स बैच 2.0 ये बैच आने जा रहा है. ये बैच 15 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है ना. पूरी इंग्लिश होगी इसमें, हर जगह इंग्लिश पूरी होगी, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, है ना, सब कुछ होगा. इस बैच की जो टोटल फी है 1999 है, यानी कि 1 कम 2 हजार. इसमें जो ग्रामर है, ग्रामर का कंटेंट 3 से 4 मंथ्स में ओवर हो जाएगा, और जो वोकैब का कंटेंट है वो 6 मंथ्स में ओवर हो जाएगा. इसकी क्लास कैसे चलेगी, पहली बात कोई भ्रम ना हो आपको, यूट्यूब पर ही सारी क्लासेस चलेंगी, पेड क्लासेस यूट्यूब पर चलेंगी, प्राइवेट वीडियोस बना करके चलाए जाते हैं, वैसे ही चलाया जाएगा. इस बैच का सेशन कैसे होगा, एक क्लास अर्ली मॉर्निंग में होगी, जो वोकैब की क्लास जिसे हम अभी अटेंड कर रहे हैं, जो वोकैब की क्लास सुबह 6 बजे हो रही है. एक तो क्लास इस बैच को ये मिलेगी. ये जो 1999 फी है ना सर, इस 1999 में ही ये जो 500 का वोकैब का बैच है ये भी इसी में इंक्लूडेड है, अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं. तो वोकैब कॉम्प्रिहेंशन की क्लास मॉर्निंग में मिलेगी, और जो ग्रामर की क्लास है वो इवनिंग में रखी जाएगी, समझ रहे हैं, इवनिंग में रखी जाएगी. तो ये शेड्यूल है, टोटल फी 1999 है. कोर्स के कंप्लीट होने के बाद, अब ध्यान से देखिए, वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम, मतलब एक बार आपने कोर्स ले लिया फिर आपसे वो वीडियोस वापस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है ना भाई. सिंपल सी बात है, आपने किसी चीज को खरीद लिया वो आपकी हो गई, आपका जब मन करे पढ़े, जितनी बार मन करे उतनी बार पढ़े. बैच को बाई करने से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन हो, ये जो हेल्पलाइन नंबर है 9935923221, इस पे मैसेज करके, इस पे कॉल करके जो है सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं. एक बार फिर से सुन लीजिए, कंप्लीट बैच है ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन का. टोटल फी केवल 1999 है, यानी कि 2000 में पूरा कोर्स कराया जाएगा. बड़ी बात यह है कि इसी फी में जो वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का मॉर्निंग का बैच है वो बैच भी इंक्लूडेड है, अलग से कोई चार्ज उसको नहीं देना है आपको. तो एक प्रकार से फी जो है 1499 ही पड़ी, 1500 ही पड़ी, 1999 भी नहीं पड़ी, अगर उस बैच की फी को अलग कर दिया जाए. और सारे एग्जाम्स की इंग्लिश एक जैसी आती, सब कुछ एक जैसा होता है, किसी प्रकार के किसी भ्रम में ना आप पड़े. अगर आप सोचेंगे कि इसकी इंग्लिश अलग है, उसकी इंग्लिश अलग है, ये अलग है, वो अलग है, तो फिर बहुत नुकसान उठाएंगे सर. किसी की भी इंग्लिश अलग नहीं है, आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो सब जगह उसका बेनिफिट उठाएंगे. तो कब से बैच शुरू हो रहा है, 15 जून से शुरू हो रहा है. मुझे उम्मीद है कि आप ना सिर्फ इस बैच को ज्वाइन करेंगे अगर आपको जरूरत होगी तो, बल्कि आपने दोस्तों में इस बैच का प्रमोशन भी करेंगे. कोई भी एग्जाम हो, ये देखिए SSC का हो, बैंक और डिफेंस का कोई एग्जाम हो, CAPF हो, CSAT हो, CET जो इस बार से आना है, TET है, STET है, TGT है, PGT है, CTET है, सारे एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, हाँ, ये बैच उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा सर. आगे बढ़ते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस देखिए. एट द हेल्म, ये पहला इडियम है. एट द हेल्म में हेल्म का मतलब होता है सर स्टेयरिंग,
हेल्म का मतलब होता है गोल गोल स्टेयरिंग। तो अगर कोई स्टेयरिंग पे बैठा है, इसका मतलब है कि वही तो जहाज को कंट्रोल कर रहा है, वही तो ट्रक को गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है। तो एट द हेल्म का मतलब होता है पर्सन इन चार्ज होना, बी द लीडर इन चार्ज, समझ रहे हैं ना। और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हो जाता है, अदरवाइज एट द हेल्म। तो एक तरीके से इंचार्ज होना किसी चीज का, अगुवा करना, जिसको आप लीडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं, नेता होना, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स का यही मतलब है कि जब आप जो है आपके इशारे पे सब कुछ चल रहा हो, आप जो चाह रहे हो वो हो रहा हो, आप सर्वे सर्वा हो एक तरीके से, है ना, आप मुखिया हो जिसको कह सकते हैं। इंचार्ज ऑफ अ सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन, किसी सिस्टम का इंचार्ज होना। द कंपनी बिगैन टू मेक प्रॉफिट्स अगेन, कंपनी ने फिर से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया विद द मैनेजिंग डायरेक्टर एट द हेल्म, है ना। मैनेजिंग डायरेक्टर को बदल दिया गया, नए एमडी साहब आ गए, कंपनी का प्रॉफिट फिर से बढ़ने लगा या बनने लगा, है ना, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। बैड हेयर डे, इसका क्या मीनिंग होता है सुनिए। कभी कभी एक ऐसा दिन आता है जब कुछ भी आपसे अच्छा नहीं होता, इसको ऐसे समझिए। कभी कभी क्या होता है कि आप अपने बाल बना रहे हो, तो चाहे 15 मिनट आप ट्राई करो, लेकिन उस तरीके से बाल नहीं सेट होते जिस तरीके से आपको चाहिए। और कभी कभी सो के उठिए, ऐसे बाल लगता है सेट है, या हल्का सा काम किया, बाल बिल्कुल सेट हो गए। लेकिन कभी कभी आप 15-20 मिनट तक और जूझ रहे हैं, लेकिन बाल सही सेट ना हो। तो बैड हेयर डे का मतलब होता है कि जैसे पता नहीं क्या बात है कि सही नहीं हो रहा सब कुछ, है ना। तो एक बैड डे इन जनरल, एक सामान्य रूप से ऐसा दिन जो बहुत ज्यादा अच्छा ना गया हो, तो उसको कहते हैं क्या, बैड डे इन जनरल, एक दिन जो सामान्य रूप से अच्छा ना गया, बहुत ज्यादा नकारात्मक ना हो, एक नॉर्मल सा दिन जिसको कह सकते। मान लो सुबह से आपके आपका पेट हल्का फुल्का खराब हो, तो बैड डे इन जनरल, जैसे सुबह से मान लीजिए आप हल्का फुल्का वीकनेस फील कर रहे हो, तो वो बैड हेयर डे हो गया। वो दिन जब बहुत अच्छा जब आपको ना लगे, या बहुत कुछ अच्छा आपके साथ ना हो सके, या बहुत कुछ अच्छा आप ना कर सके, अ डे व्हेन नथिंग goes right, a bad day in general, सामान्य रूप से एक ऐसा दिन जो अच्छा ना कहा। Yesterday my mom was having a bad hair day, so I decided to show her my report card this evening. कोई कह रहा है कि कल मेरी माँ जो है ना बड़ा गुस्से में थी, उनसे सुबह से दुनिया भर के नुकसान हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं उनको अपना रिपोर्ट कार्ड ना दिखाऊं, वरना ऐसे गुस्से में और धुनेंगी वो, तो मैं उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड अब आज दिखाऊंगा, समझ रहे हैं ना, आज दिखाऊंगा। कूल एज अ कुकुम्बर, इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, याद रहे सर, जब किसी फ्रेज के बीच में एज एज आए, जैसे यहाँ पर ही है एज, यहाँ लिख लीजिए एज कूल एज कुकुम्बर, तो यहाँ पे जो वर्ड होता है ना यहाँ पे, वही उस फ्रेज का मीनिंग होता है। यानी इस फ्रेज का मीनिंग क्या है, कूल है, ये देखिए लिखा तो है, वेरी काम कूल एंड नॉट केयर फ्री, इसको कह सकते हैं। हाँ मेरी बात आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति शांत चित स्वभाव का हो, टेंशन ना लेता हो, केयर फ्री टाइप का हो, मस्त मस्ती करने वाला हो, उसे कहते हैं क्या, कूल एज अ कुकुम्बर। पूरा तरीका ये नहीं है, जो पूरा फ्रेज है ये एज कूल एज कुकुम्बर, मतलब खीरे के ही जैसे आप भी जो है मन के बड़े अच्छे हैं, शांत हैं, जिसको कह सकते हैं कूल कह सकते हैं। और भी कई केसेस में यही लॉजिक काम किया है कि एज एज के बीच में जो है वही एक तरीके से उसका मीनिंग है, ठीक है ना भाई। इसका जैसे एक फ्रेज है एज हार्ड एज नेल्स, अब इस फ्रेज का मीनिंग है बहुत ज्यादा सख्त, काहे नहीं होगा बहुत ज्यादा सख्त, जब नेल्स लिखा, नेल्स का मतलब कील से होता है, कील से होता है, कील कैसी होती, फ्लेक्सिबल होती क्या, कील तो बहुत ही हार्ड होती है, सख्त होती, जो कील जितना ही हार्ड हो सख्त हो, याद रखिए सर इस तरीके से एज एज के बीच में जो वर्ड हो वही मीनिंग है। तो जो शांत चित स्वभाव का, टेंशन वेंशन ना लेता, यू यूजुअली गेट सो एक्साइटेड एंड डिस्टर्ब सो इजीली, कोई कह रहा है कि तुम अचानक से बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हो, अचानक से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब या परेशान भी हो जाते हो, दिस कुड ऑब्स्ट्रक्ट योर प्रोग्रेस, इससे आपकी तरक्की रुक सकती है। एंड ट्राई एंड लर्न टू बी एज कूल एज कुकुम्बर फॉर अचीवमेंट्स इन वर्क प्लेस, है ना, शांत रहो मस्त रहो, ताकि जो है आप बहुत कुछ कर सको, जिसको कह सकते हैं, है ना। हाँ मतलब आप कुछ कुछ लोग होते हैं जो बड़ी आसानी से बहुत खुश हो जाएंगे, उतनी आसानी से बहुत जल्दी डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। तो कहा जा रहा ऐसा होना ठीक नहीं, आपको मैच्योर गंभीर समझदार होना चाहिए, जिससे कोई भी चीज आसानी से आपको परेशान ना कर सके, तंग ना कर सके। यू नीड टू बी एज कूल एज कुकुम्बर।
जाइए शेर, यहाँ से जाइए, डोर को बंद करिए। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। कैसा लग रहा है मुझे मैसेज के माध्यम से बताएं, जरूर मुझे बताएं। अगला फ्रेज है, सेकेंड लास्ट फ्रेज है आज की क्लास का, वो है डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। एक गांव में कहावत है कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। गांव में कोई हो आपका, या अगर आप गांव से हो, कोई भी बड़ा बूढ़ा घर में हो, उससे पूछिए कि क्या कहावत है, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। इसका मतलब ये है कि कहीं, जैसे देखिए जो जानवर होते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, घोड़ा है, खास तौर पे ये जवान है ना, ये मेच्योर है या अभी छोटे हैं, इनकी उम्र क्या है, एक तरीके से ये पता लगाने का एक अनूठा तरीका होता है। इन जानवरों के दांत देखे जाते, दांत देख करके लोग बता देते हैं कि इसकी एज जो है 2 साल है, इसकी एज 6 साल है, इसकी 4 साल है, इसकी 8 साल है, 10 साल है, एक तरीके से दांत से, है ना। और उम्र के आधार पर सौदा भी होता है ना। एक जवान जानवर का रेट ज्यादा होगा, एक एक बच्चे जानवर का रेट कम होगा, एक अधेड़ उम्र के जानवर का रेट भी क्या होगा, कम ही तो होगा। तो ये है इस कहावत का मीनिंग। लेकिन इसमें ये कहा गया कि दान में मिली बछिया के दांत नहीं गिने जाते, मतलब कोई चीज अगर आपने पैसे से खरीदी तब तो उसमें आप नुक्स निकालिए, कमी निकालिए, पर अगर कोई चीज आपको किसी ने प्रेम भाव में, समर्पण में, दान में दी है एक तरीके से, तो वो चाहे जैसी हो वहां तालमेल बिठाइए, एडजस्ट करिए, और किसी भी प्रकार से जो है परेशान, मतलब किसी भी प्रकार से आलोचक ना हो, जैसा हो वैसा रखिए, ठीक। तो डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, समझ में आ ना, घोड़े का मुंह खोल करके ना देखें कि वो किस नस्ल का है, 2 साल का, 4 साल का, 3 साल का, 1 साल का, ये का तरीका गलत होता है। आपने उस घोड़े को खरीदा हो तो जरूर देखिए, गिफ्ट में मिला है तो क्यों देखेंगे। तो जो चीज आपको मुफ्त में मिले हैं वो जैसे मिले वैसे ही आपको उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी प्रकार से ये नहीं करना चाहिए कि यार ये चीज मुझे पसंद नहीं थी, मुझे ऐसे नहीं पसंद, वैसे नहीं पसंद, राइट। ये स्वभाव होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। डोंट बी क्रिटिकल ऑफ द गिफ्ट ऑफ फ्री सर्विसेज यू रिसीव। जो भी आपको मुफ्त में मिल रहा हो उसके प्रति आलोचना रखना या उसके प्रति आलोचक होना ठीक नहीं होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लिखा है, आई नो यू डोंट लाइक द ड्रेस वेरी मच, मैं जानता हूं कि तुम्हें ये ड्रेस नहीं पसंद आई है, बट इट इज अ गिफ्ट, लेकिन ये गिफ्ट है, यू शुड नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, है ना। मैं जान रहा हूँ कि तुम्हें ये ड्रेस ज्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन भाई ये गिफ्ट है, और जो गिफ्ट मिले उसमें ये नहीं देखा जाता कि कितना अच्छा है, कैसा अच्छा है ना, वो जैसा भी है अच्छा है। दान में मिली बचिया के दांत नहीं गिने जाते। फिर आ रहा टर्फ वॉर। टर्फ, टर्फ एक एरिया को कहते हैं। टर्फ वॉर का मतलब होता है क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए, है ना। जानवरों के बीच में यह ज्यादा होता है, जीव जंतुओं के बीच, हिंदुस्तान आदमियों के बीच में होता है लेकिन कम होता है। जैसे एक मोहल्ले में 4 कुत्ते रहते हैं, पांचवा कुत्ता आया तो क्या वो 4 कुत्ते उस पांचवे कुत्ते को मोहल्ले में आने देंगे? नहीं, वो टर्फ वॉर हो जाएगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ ऐसे भगा देंगे। जैसे एक जंगल में एक शेर रहता है, एक और शेर आ जाए तो क्या दोनों खुशी खुशी रह लेंगे? नहीं, दोनों के बीच में पहले लड़ाई होगी, फिर जो शेर हारेगा वो जंगल से चला जाएगा, एक ही शेर रहेगा, रहेगा दूसरा नहीं। ये टर्फ वॉर है, जब आप कह रहे हैं ये एरिया मेरा है, कोई कह रहा है ये मेरा है, एरिया मेरा है, तो जो जीतेगा उसका वो एरिया हो जाएगा। चाइना हैज ऑलवेज बीन वेजिंग अ टर्फ वॉर विद इंडिया ओवर सम ऑफ द बॉर्डर लाइन एरिया। सही बात है, चाइना लगातार भारत को लेकर के टर्फ वॉर करता आ रहा है ना, टर्फ वॉर करता आ रहा है, वो कह रहा है ये जगह मेरी है, वो जगह मेरी। कंफ्यूजिंग वर्ड्स को देखिए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आज क्या देखिए, हिस्टोरिक वर्सेस हिस्टोरिकल। हिस्टोरिक कहाँ यूज होता है, हिस्टोरिकल कहाँ यूज होता है, ध्यान से देखिए। जो चीज हिस्टोरिक है, ग्रांड है, मैसिव है, स्पेशल है, मतलब विशेष है, जिसको कह सकते हैं खास है एक तरीके से, है ना, बहुत बढ़िया एक तरीके से, मजा आ जाए वो हिस्टोरिक। यादें, मतलब जो चीज याद में दर्ज हो जाए, जो चीज यादों में दर्ज हो जाए, हिस्टोरिक इसको कहते हैं, बड़ा मैसिव, है ना। जैसे कि गुजरात की टीम ने आईपीएल जीता, तो गुजरात की टीम के खिलाड़ियों के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, फ्रेंचाइजी ओनर के लिए वो दिन क्या रहा होगा, हिस्टोरिक डे रहा होगा। क्या रहा होगा? हिस्टोरिक डे रहा होगा, मतलब बहुत शानदार, खास, विशेष, जिसको कहा जा सकता है उसे हिस्टोरिक बोल देंगे।
और अच्छी बात है हिस्टोरिक होना इतना सरल काम नहीं, और हिस्टोरिकल बड़ा ही सरल है। हिस्टोरिकल का सिर्फ इतना मतलब है जिन जिन जगहों का जिक्र इतिहास में इतिहासकारों ने किया हो, जिसके चलते आज वो पॉपुलर प्लेसेस बन गए हो, ऐतिहासिक इमारतें कहे जाते हो, तो वो हिस्टोरिकल प्लेसेस कहे जाते हैं एक तरीके से। क्या कहे जाते हैं? हाँ, जो इतिहास में जिनके नाम दर्ज है, जैसे कुतुब तो मीनार है, लाल किला है ना, ये सब जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, और जहां पर मन लगे वो अलग बात। हिस्टोरिक मतलब शानदार, बहुत बढ़िया, और हिस्टोरिकल का मतलब है इतिहास से संबंधित। टोटल में चार एग्जांपल्स हैं, पढ़िए। द पार्टी रजिस्टर्ड आ हिस्टोरिक विक्ट्री या हिस्टोरिकल विक्ट्री एज इट वन ऑल द 50 सीट्स। पार्टी ने 50 की 500 सीटों पे कब्जा कर लिया, इसका क्या मतलब है? ये पार्टी की ऐतिहासिक जीत है ना, बोलिए, है ना, बोलिए, ये पार्टी की ऐतिहासिक जीत है, शानदार जीत है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? हिस्टोरिक बोलेंगे, ये पार्टी की शानदार अथवा ऐतिहासिक जीत है, तो हिस्टोरिक विक्ट्री कहा जाए। फिर आप पढ़िए, माय फर्स्ट डे इन ऑफिस इज स्टिल हिस्टोरिक टू मी। कोई कह रहा है ऑफिस का जो मेरा पहला दिन था, आज भी मुझे उसकी यादें याद है, ताजा है, वो मेरे लिए एक हिस्टोरिक डे था, समझ रहे ना, शानदार, जिसको मैं इतिहास में कभी भुला ना पाऊं उस दिन को। तो जो मेरा फर्स्ट डे था ऑफिस में, वो आज भी 20 साल पहले मैंने कहीं क्लास करी थी, स्कूल में कर रहा था, लेकिन उस क्लास का, यूनिवर्सिटी का, ग्रेजुएशन का पहला दिन आज भी मुझे याद है, वो आज भी मेरे लिए हिस्टोरिक है, समझ रहे कैसा है, हिस्टोरिक। और उसकी जो यादें हैं अभी भी मेरे साथ साथ चलती, ताजा यादें चलती, ये देखिए विविड से बना, ताजा यादें चलती, तो जो कुछ भी शानदार है, बहुत बढ़िया, वो हिस्टोरिक। दिस बुक लाइज ऑल द हिस्टोरिक ऑब्लिक हिस्टोरिकल प्लेसेस वर्थ विजिटिंग इन द स्टेट। बस सिंपल सा लॉजिक है, कोई कह रहा है कि इन द बुक, ये जो बुक है इसमें वो सारे के सारे प्लेसेस हैं जो देखने लायक हैं स्टेट में। इस बुक में वो सारे के सारे प्लेसेस हैं देखने लायक है, और आप मैसेज करके मुझे बताएं कि ये एक तरीके से हाँ देखने लायक है ना सर, कैसा लग रहा है सेशन मुझे जरूर बताएं। तो इस बुक में वो सारे ऐतिहासिक जगहों के नाम है, ये देखिए ना प्लेसेस है ना, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस बोलिए। ये देखिए रेड फोर्ट एक कैसी बिल्डिंग है, ऐतिहासिक इमारत है, तो हिस्टोरिकल रखिए, जो जगह है, जो बिल्डिंग है, वो हिस्टोरिकल होगी एक तरीके से, समझ रहे हैं ना। हाँ, जगह और बिल्डिंग जो है ऐतिहासिक होगी, खास दिन, विशेष दिन, हिस्टोरिक ओकेजन, हिस्टोरिक डे जिसको कह सकते हैं, शानदार, बेहतर जिसको कह सकते हैं। हिस्टोरिक का मतलब जो बहुत अच्छा है, बेहतर है, और हिस्टोरिकल का मतलब है सिंपल सी बात, इतिहास से संबंधित, इतिहास से संबंधित। इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फिल इन द ब्लैंक्स में हम पहुंच गए, आज का जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, उसमें क्या आवश्यक है? वुमेन नीड टू एंड नॉट जस्ट, आवश्यक है कि भी देखिए, देखिए नॉट जस्ट के चलते एक जैसे नहीं होंगे, अगर इसमें थ्राइव आएगा तो उसमें थ्राइव कैसे, इस तरीके से। तो आज के समय में आवश्यक है कि महिलाएं जो हैं बहुत तेजी से आगे बढ़े, बहुत तेजी से आगे बढ़े, थ्राइव करें एक तरीके, बहुत तेजी से आगे बढ़े, सिर्फ सरवाइव करने पर ध्यान ना दे कि किसी प्रकार हमें सरवाइव करना है, नहीं, थ्राइव करें, ताकत झोंके एक तरीके से, है ना, बहुत तेजी से आगे बढ़े, सरवाइव को लेके ज्यादा कोई बात नहीं। तो महिलाओं के लिए आवश्यक है कि डरे धबे कम, है ना, हर चीज की वो जानकार बने और हर चीज के बारे में उनको आइडिया हो, और बड़ी तेजी से अपने फैसले भी ले सके। लिंगर का मतलब होता सड़ना, जेल में पड़े रहना, लिंगर करना, इस तरीके। नंबर टू, द एपिसोड ऑफ डॉक्यूमेंट स्टीलिंग शोज दैट कॉर्पोरेट बॉसेस कैन इंडीड डू इरिवोकेबल डैमेजेस, इररेजिस्टेबल डैमेजेस, इरेशनल डैमेजेस, इरिपेरेबल डैमेजेस, डी ऑप्शन होगा, क्या होगा? याद रखिए, जब जब नुकसान हो सर, जब नुकसान हो और तुरंत उसको अनहैंडल ना किया जाए, तो इस केस में भाई जो है दिक्कत हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट स्टीलिंग का शो है, उससे पता चलता है कि कॉर्पोरेट बॉसेस जो हैं, है ना, उनका कंट्रोल कितना ज्यादा है एक तरीके से। कैन इंडीड डू, क्या कर सकते हैं बताइए? ये देखिए डॉक्यूमेंट स्टीलिंग की बात है, यानी कि नकल हुई है सर, तो
बुक्स कैन इंडीड डू डैमेजेस नेशनल इंटरेस्ट, शोज द कैन इंडीड डू इरिपेरेबल डैमेजेस, करिए ना सर इरिपेरेबल। इसमें लिखा है कि इससे पता चलता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो राष्ट्रीय हित में बहुत बड़ा जो है बदलाव ला सकते हैं, है ना। दे कैन डू इरिपेरेबल डैमेजेस, कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिनकी कोई वापसी ना हो, तो इरिपेरेबल डैमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, और देखिए, इरिवोकेबल एक ऐसा फैसला जो पलटा नहीं जा सकता, जो वापस नहीं ला सकते। इरेजिस्टिबल, जो रोके ना रुके, रेजिस्ट करने का मतलब रुकना, जो रुके ना रुके, ठीक। हाँ, इस तरीके से। तो फिर ये सब होना नहीं चाहिए। नुकसान जब बहुत ज्यादा हो, डैमेज जब बहुत ज्यादा लगे, तो एक ही बड़े इरिपेरेबल डैमेज, इसी को कह सकते हैं। नंबर थ्री देखिए, द सन रेज जो निकलती सूरज की आउटर सरफेस से, सूरज की किरणें जो 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 कि एक तरीके से जो स्वेटर है उसकी आउटर सरफेस पे पड़ती है, एक तरीके से निकलती है, एक तरीके से न्यूक्लियर, ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, न्यायिक व्यवस्था के चलते, अबाउट एंड मिनट्स टू रीच द सन रे, जो निकलती है सूरज के बाहरी हिस्से से, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के चलते टेक अबाउट एंड मिनट्स टू रीच अर्थक्वेक इज ऑलमोस्ट रीज। एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्ट मतलब होता अलग कर लेना, इमिनेटिंग का मतलब भी अलग करना होता, निकलना, कंबाइनिंग। क्या होगा सर? जनरेटिंग होगा, कमिंग होगा, एक्सट्रैक्टिंग होगा, इमिनेटिंग होगा, बताइए सर। देखिए ध्यान से, जो सूरज की किरणें निकलती है ना सर, सूरज की किरणें निकल, वो इमिनेट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब, जैसे फूलों से रस निकाला गया तो उसे एक्सट्रैक्ट किया गया, इमिनेट किए जाने का मतलब ये है, एक तरीके से किरणों के रूप में उसे छोड़ा गया, इमिनेट किया गया, राइट। याद रखिए, आंखें खराब हो जाती है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है अलग कर लेना, यहाँ अलग करने की कोई जरूरत नहीं। गेंदा का फूल तो है नहीं जो अलग करके 10 लोगों में बांट दिया जाए, है ना, ऐसा नहीं है। तो फिर इमिनेटिंग का ही इस्तेमाल करना है आपको, करना है। अक्रॉस इंडिया कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान भर में, अब देखिए सर, जब कोई व्यक्ति सर्वे में हिस्सा लेता है सर ना, तो वो पार्टिसिपेंट नहीं कहा जाता। सर्वे कोई टूर्नामेंट थोड़ो ना है जो उसमें आदमी पार्टिसिपेट करता है। इंट्रांट नहीं है, इंट्रांट्स बोलते हैं जो प्रवेश लेने आ रहा हो, जैसे कि आपने प्रवेश परीक्षा दी, वो भी नहीं। कंटेस्टेंट भी आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले लोगों को बोलते हैं। जब कोई सर्वे होता है, आपसे सवाल पूछा जाता है, तो आप उस सवाल का जवाब देते हैं। पानी चाहिए हमको, पानी चाहिए हमको। आप सर्वे से, आ सर्वे में आपसे दुनिया भर के, नॉर्मल नॉर्मल सर्वे में आपसे दुनिया भर के सवाल पूछे जाते हैं, आप उन सवालों का जवाब देते हैं, तो आप एक प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। वो कोई कंपटीशन नहीं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए आप क्या कहे जाते हैं, रिस्पॉन्डेंट कहे जाते हैं। जिस प्रकार से सूरज से किरणें निकलती हैं, निचोड़ी नहीं जाती जो एक्सट्रैक्ट किया जाए, है ना, निकलती है तो इमिनेट करते हैं जाकर के, उसी प्रकार से सर्वे में आप हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो आप जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। अब देखिए, द पुलिस कमिश्नर रिफ्यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डिस्प्यूट, द काइंड ऑफ डिस्प्यूट, पार्ट ऑफ डिस्प्यूट, नेचर ऑफ डिस्प्यूट। हमेशा याद रखिए, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, लड़ाई, जो अपराध होता है, जो क्राइम होता है, ये भी एक प्रकार के अपराध के जैसा है, या जो जॉब होती है, कैसा अपराध है, कैसी लड़ाई है, या कैसी नौकरी है, तो अपराध का, क्राइम का, नौकरी का हमेशा क्या होता है, एक प्रकार का नेचर ही होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, डिस्प्यूट का हमेशा क्या होता है, या क्राइम का हमेशा क्या होता है, एक प्रकार से नेचर ही होता है। तो यहाँ पर क्या लगाना चाहिए आपको, टाइप, काइंड,
आर्ट और नेचर में से किसको मौका देना चाहिए? नेचर को मौका देना चाहिए। जैसे लिखा नेचर ऑफ क्राइम क्या है, नेचर ऑफ क्राइम क्या है एक तरीके से, ठीक है। इसी के साथ सेशन ओवर हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जरूर पसंद किया होगा, अच्छा लगा होगा। शुरू से मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छा बताऊं, है ना। जितने भी वर्ड्स मैंने बताए मैंने अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। फिर चाहे पहला वर्ड मिटिगेट हो, जिसका मतलब होता तकलीफ को कम करना, मिट्टी से रिलेट करके बताया कि मिट्टी में मिला देना, तो ये कोशिश की मैंने। फिर मैंने बोला इनडेलिबल, जो चीज मिटाए ना मिटे। डिलीट से रिलेट करके बताया कि डिलीट अगर चीजें हो जाए तो मिट जाएंगी, और जब आगे ई आई एल लग जाएगा तो डिलीट नहीं होंगी, यानी कि नहीं मिटेंगी, तो जो अमिट हो जाए, परमानेंट हो जाए वो, है ना। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस से मैंने बताया। पहला इडियम एट द हेल्म, हेल्म का मतलब होता है सर स्टेयरिंग, हेल्म का मतलब होता है जैसे जो 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 पकड़ के चलाते हैं ना, उस स्टेयरिंग को हेल्म कहते हैं। तो अगर आप स्टेयरिंग पर हैं तो आप ही के हिसाब से तो गाड़ी चलेगी, आप ही तो अगुवा कार हैं, आप ही तो मुखिया हैं, आप ही तो पर्सन इन चार्ज हैं। तो टू बी एट द हेल्म और टू बी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, दोनों तरीके से ये फ्रेज है, बिना ऑफ द अफेयर्स के भी और ऑफ द अफेयर्स के साथ भी, यानी कि आप लीडर हैं। फिर मैंने बताया था बैड हेयर डे, कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत कोशिश करते हैं फिर भी आप बाल जैसे बनाना चाहते वो नहीं बन पाते हैं, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्यों नहीं बन रहे। तो बैड हेयर डे का मतलब होता है एक दिन जो ज्यादा अच्छा ना जाए, या एक दिन जो एक प्रकार से कहा जाए तो बेकार का ही दिन रहा हो, बहुत बेकार का दिन नहीं लेकिन नॉर्मल तरीके से। फिर मैंने आपको बताया कूल एज कुकुम्बर, जिसका मीनिंग मैंने क्या बताया, खीरे के जैसे शांत, खीरे की प्रॉपर्टी होती है वो ठंडा होता है ना, तो खीरे के जितना ठंडा शांत चित। फिर मैंने बताया डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, कि दान में मिली बछिया के दांत नहीं गिने जाते, दांत के माध्यम से जानवरों की उम्र का पता लगाया जा सकता है, तो दांत अगर देख लोगे तो उम्र का पता लग जाएगा। तो क्यों उम्र का पता लगा रहे, जब पैसे से खरीदा नहीं आपने, मुफ्त मिला है तो उसमें अगर कोई कमी है भी तो उस कमी को आप क्यों नोटिस कर रहे हैं। फिर मैंने टर्फ वॉर बताया है ना, क्षेत्र विशेष के अधिकार को लेकर लड़ाई, हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल के बीच का डिफरेंस बताया, जिसमें मैंने बताया जो कुछ भी शानदार हो, जैसे जिस दिन आपको नौकरी मिलेगी वो हिस्टोरिक डे होगा आपकी लाइफ में, समझ रहे हैं ना। हाँ, उसे याद रखेंगे आप, बोलेंगे नहीं जीवन भर नहीं बोलेंगे, तो जिसे आप भूले ना, जो इतिहास में दर्ज हो जाए, है ना, जो यादगार बना रहेगा वो हिस्टोरिक है। और हिस्टोरिकल सिंपली जो इतिहास की किताबों में जिसका नाम दर्ज हो, जो पुरानी चीजें हो जिनका इतिहास में नाम दर्ज रहा हो, उन्हें हिस्टोरिकल बोलते हैं, है ना। हाँ, फिर मैंने आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाए, जिसमें से खास बात ये बताई कि नुकसान जब बहुत ज्यादा हो जाए तो डैमेज कैसा हो जाता है, इरिपेरेबल नेचर का डैमेज हो जाता है। ये डेडिकेटेड वोकैब मैंने आपको बताई, है ना। फिर मैंने बताया कि किरणें जो निकलती हैं वो इमिनेट करती हैं, हाँ, रेडिएशन जो निकलता है वो इमिनेट करता है एक तरीके से। हाँ, फिर मैंने आपको ये बताया कि किसी भी अपराध या जॉब का जो तरीका होता है वो उसका नेचर कहा जाता है। चलिए सेशन को ओवर करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है पसंद आया होगा आप सभी को। सेशन को लाइक करिएगा और अपना अपना प्रेशियस फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताइएगा कि क्या कोई सुधार की गुंजाइश है, या जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे ही बिल्कुल ठीक है। कोई अगर इनपुट हो आपका, कोई सुझाव हो तो जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दें कमेंट के माध्यम से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए, हैव अ गुड डे।